तो आज मैं बात करने वाला हूँ WWE नहीं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार के बारे में, CM Punk के बारे में। अब देखो, यहाँ पे मैं पहले WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बोलने वाला था, लेकिन क्योंकि करंटली ये AEW में थे, अब AEW ने भी इनको भगा दिया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि टैलेंटेड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे एटीट्यूड अगर सही नहीं है तो बंदा कहीं पे भी नहीं टिक सकता। मतलब सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के साथ इनका मैच होगा या नहीं होगा, क्या WWE में आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि भाई क्या हुआ जिससे AEW में टोनी खान ने CM Punk को लात मार के बाहर निकाल दिया। अब इतना बुरा मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन देखो जिस तरीके से CM Punk की कॉन्ट्रोवर्सी रेसलिंग में चलती आई है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को रियल में इस बंदे से हेट होने लगा है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ना कि ये जो बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है और यहाँ पे ऊपर तक WWE में जाना अथवा कोई भी स्पोर्ट्स में टॉप में सक्सेस पाना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सक्सेस को बराबर रखना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो CM Punk इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप अगर किसी भी रेसलर को देखना चाहते हो तो यहाँ पे CM Punk से आपको सीखना चाहिए कि यहाँ पे भाई ये बंदा इतने टैलेंटेड था, इतना ऊपर तक गया, लेकिन उसके एटीट्यूड की वजह से कभी भी वो किसी भी जगह में टिक नहीं पाया। अब देखो AEW से पहले मैं थोड़ा सा WWE की बात करूंगा कि WWE ने 2014 में क्यों CM Punk को रिलीज़ किया था। CM Punk ने ये एलिगेशन लगाया था कि यहाँ पे मैं मेडिकली फिट नहीं था, फिर भी WWE के डॉक्टर्स ने मेरे को फिट बताया और यहाँ पे मेरे को ज़बरदस्ती मैचेस रेफल करने को कहा गया। जहाँ पे CM Punk ने भाई ये एलिगेशन लगाए थे कि 2012 का रॉयल रंबल जो उन्होंने लड़ा था, तो यहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती उस रॉयल रंबल में अपीयर किया था। तो यहाँ पे ये वाला सबसे बड़ा एक रीज़न था। उसके बाद फिर WWE में CM Punk ने 2011 में पाइप बॉम्ब नाम का एक प्रोमो कट किया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो प्रोमो एकदम रियल था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा था भी, क्योंकि WWE ने भाई बीच में ही CM Punk का प्रोमो रोक दिया था यहाँ पे, मतलब उनका माइक बंद कर दिया था। लेकिन फिर ओवरऑल यहाँ पे CM Punk WWE छोड़ के चले जाते हैं। अब देखो ब्रॉक लेसनर की वापसी ना CM Punk के कारण हुई थी 2021 में, क्योंकि यहाँ पे जब 2021 में CM Punk ने AEW में रिटर्न किया था, तो वो वाला वीडियो AEW के आज तक का सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाला वीडियो बन गया, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा था। तो यहाँ पे उसके कारण से विंस मैकमहन ने ब्रॉक लेसनर को इमीडिएटली बुलाया था, और CM Punk के कारण से फिर ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में रिटर्न हुआ था। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि AEW ने क्यों निकाल दिया CM Punk को वो बताऊंगा, हालांकि आप लोग को पहले से ही पता होगा। थोड़ा सा बात करता हूँ क्योंकि उसी के बेसिस में आगे क्या WWE में CM Punk आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसके बारे में बात होगी। अब देखो होता क्या है कि AEW में CM Punk का एक बैकस्टेज सेगमेंट में एक रेफलर के साथ लड़ाई हो गई, रेफलर का नाम मेरे को भूल गया है तो उसके लिए मेरे को माफ़ कीजिए। यहाँ पे देखो क्या होता है कि रियल में लड़ाई हो गई, और यहाँ पे लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि बैक स्टेज में जितने सारे इंस्ट्रूमेंट AEW के रखे थे, CM Punk ने कुछ उनको डैमेज कर दिया और कुछ बाकी के रेफलर ने कर दिया। लेकिन यहाँ पे एलिगेशंस में ये पता लगा कि पूरी गलती CM Punk की थी, और यहाँ पे CM Punk को भाई टोनी खान ने बाहर निकाल दिया। अब CM Punk को रिलीज़ करने के बाद AEW का एक पोस्ट आता है, वहाँ पे एक सबसे बड़े क्रिएटिव हेड ने एक पोस्ट किया कि CM Punk AEW के लिए बहुत ही बड़ा एसेट था, और यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि CM Punk AEW से वापस जाए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि CM Punk को बाहर निकाल के हम एक सबसे बड़ा एग्जांपल सेट करना चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी में एक सबसे बेहतरीन इन्वायरमेंट सेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे कोई भी इस इन्वायरमेंट को अगर ख़राब करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं सहने वाले, और यहाँ पे उसके कारण से CM Punk को भाई पार भगा दिया गया। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या AEW के बाद करियर खत्म होने के बाद CM Punk का फ्यूचर क्या होगा। अब देखो क्या है, WWE छोड़ने के बाद CM Punk ने UFC में अपने हाथ आजमाने की कोशिश की थी, और वहाँ पे गजब की उनकी पिटाई होती भाई, गजब के उनको लात घूंसे पड़े थे लगातार, उन्होंने 2 मैचेस हारे थे, वहाँ पे उनका UFC का करियर भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे देखो CM Punk के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है, या तो वो TNA में चले जाएं, नहीं तो IWGP में चले जाएं, NJPW में चले जाएं। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि अब यहाँ पर CM Punk के पास ना तो एज बची है और ना ही उस तरीके के रेसलिंग स्किल्स बची है। AEW तो हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत घसीटता हुआ चला रहा था, क्योंकि भाई AEW के पास और कोई दूसरा बड़ा सुपरस्टार नहीं था। लेकिन यहाँ पे आज की डेट में AEW में डैनियल ब्रायन, जॉन मॉक्सली, मतलब डीन एम्ब्रोस जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, तो यहाँ पे AEW ने इनको बाहर निकाल दिया। अब बात करता हूँ कि क्या WWE वापस बुलाएगा। तो देखो अब आज की डेट में इंडिएवर को WWE बिक चुका है, तो आप सभी लोग जानते हो। यहाँ पे विंस मैकमहन क्रिएटिव हेड नहीं रहे, ट्रिपल एच हैं, और यहाँ पर ट्रिपल एच का भी भाई CM Punk के साथ रिलेशन उतने अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि CM Punk वापस आएंगे, तो भाई नहीं आएंगे, और कोई भी कंपनी एक पनौती से बहुत दूर रहना चाहेगी। तो यहाँ पे CM Punk के बिना WWE बेकार नहीं हो जाएगी, CM Punk के बिना ही आज की डेट में WWE के सेगमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते हैं। अब तो लोगों ने CM Punk के चेंट्स करने भी छोड़ दिए, मतलब एक समय पे WWE में CM Punk और इस तरीके के चेंट्स लगते थे, लेकिन आज की डेट में तो फैंस वो भी भूल गए। तो कोई भी तरीके से आपको CM Punk वापस देखने को नहीं मिलेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि सीएम पंक वापस देखने को नहीं मिलेंगे। अब क्या ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के साथ इनके मैचेस हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैं इस पार्ट टू में वीडियो में बात करने वाला हूँ। पार्ट टू में आपको देखने को मिलेगा कि क्या अगर सीएम पंक वापस आते हैं तो इनके साथ मैचेस होंगे या नहीं होंगे और किस तरीके से होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ तो ऐसे कुछ है नहीं, यहाँ पे इमेजिनरी वीडियो ही रहेगा अगला पार्ट टू वाला। तो यहाँ पे उसको देखने के लिए जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हैव अ नाइस डे।